बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। बेटा आज जो हम लेक्चर दे रहे हैं वो है मैकेनिकल सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिक बेसिक अप्लाइड इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसका कोड है ELEC 202। तो आज जो हम आर्टिकल डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आर्टिकल 3.4 वेल्डिंग ट्रांसफार्मर। तो बेटा याद रखिएगा, वेल्डिंग ट्रांसफार्मर कौन सा ट्रांसफार्मर होता है? द ट्रांसफार्मर विच इज यूज फॉर वेल्डिंग इज कॉल्ड वेल्डिंग ट्रांसफार्मर। ऐसा ट्रांसफार्मर है जो वेल्डिंग के मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसे हम वेल्डिंग ट्रांसफार्मर कहते हैं। इट इज अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ये याद रखेगा, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज। वोल्टेज के लिहाज से तो ये स्टेप डाउन होता है, बट प्रोवाइड्स हाई करंट्स एट डिफरेंट लेवल्स। लेकिन ये मुख्तलिफ लेवल्स पर हाई करंट जो है वो मुहैया करता है। आगे बता रहे हैं बेटा, आता है इसकी कंस्ट्रक्शन। It has following parts. Number one, laminated iron core. इसके अंदर भी एक laminated iron core होती है। Primary winding होती है, secondary winding होती है, container होता है, ताकि गर्द और गुबार से बचाया जा सके। तमाम windings को और core को एक box के अंदर बंद कर दिया जाता है और उस box को container कहते हैं। Moving wheels होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे इसको move कराने के लिए इसके नीचे wheel लगाई जाती है। Moving rod, इसको धकेलने के लिए, push करने के लिए एक iron rod जो है वो भी ऊपर वाले सिरे पे लगाया जाता है। टेप चेंजर व्हील होते हैं, तो अगर हमारे पास टेप चेंजर स्विच है तो उसके ऊपर एक व्हील लगा दिया जाएगा, तो आप उसको टेप उसको व्हील को घुमा के आप उसकी टेपिंग जो है वो चेंज कर सकते हैं। आगे आते हैं टाइप्स। आउटपुट करंट्स ऑब्टेन बाय डिफरेंट मेथड्स। तो ये कहता है कि इसकी जो इकसाम होती है वो आउटपुट करंट जो है उसको सामने रख के देखी जाती है कि हमने आउटपुट करंट किस तरीके से ले रहे हैं। तो नंबर वन है मूवेबल प्राइमरी वाइंडिंग। अगर आप प्राइमरी वाइंडिंग को मूव करते हैं तो उस तरीके से आपको डिफरेंट करंट्स जो है वो मिल सकती हैं। या टेप्ड सेकेंडरी वाइंडिंग, अगर आप सेकेंडरी वाइंडिंग की टेपिंग कर देते हैं तो मूवेबल कोर रिएक्टर, अगर उसके अंदर मूवेबल कोर रिएक्टर यूज करते हैं, कोर को मूव कराते हैं, तो उस सूरत में भी हमारे डिफरेंट करंट जो है हासिल होती है। मूवेबल शंट, अगर आप शंट जो है वो मूवेबल कर देते हैं तो हमें डिफरेंट करंट्स मिलती हैं। मैग्नेटिक एम्पलीफायर हो गया और सैचुरेबल रिएक्टर्स। तो याद रखिएगा कि इसमें मोस्टली जो यूज की जाते हैं बेटा वो पहली दो ही किस्में हैं कि मूवेबल प्राइमरी बाइंडिंग और टेप सेकेंडरी बाइंडिंग। आगे हम इसकी तफसील जो है वो आपको बयान करते हैं। पहला पार्ट है बेटा मूवेबल प्राइमरी बाइंडिंग। इन दिस मेथड सेकेंडरी बाइंडिंग इज फिक्स्ड व्हाइल प्राइमरी बाइंडिंग इज मूवेबल। इसमें देखें जो सेकेंडरी बाइंडिंग होती है आप उसको फिक्स रख देते हैं और जो प्राइमरी बाइंडिंग होती है सेकेंडरी बाइंडिंग को फिक्स करते हैं और प्राइमरी बाइंडिंग को मूवेबल। द प्राइमरी बाइंडिंग इज मूव्ड अप एंड डाउन, ये ऊपर और नीचे जो है अप एंड डाउन जो है वो मूव करती है विद द हेल्प ऑफ रोटरी व्हीलिंग। तो रोटेटिंग व्हील जो है, रोटेटिंग व्हील की मदद से आप इस बाइंडिंग को ऊपर और नीचे जो है वो हरकत कर सकते हैं। व्हेन प्राइमरी बाइंडिंग कमिंग डाउन देन मोर फ्लक्स लिंक विद द सेकेंडरी बाइंडिंग। कहता है कि जो ही जब आप व्हील को रोटेट करते हैं, अगर वाइंडिंग इसकी नीचे की जानिब आ रही है तो उस सूरत में क्या होता है कि ज्यादा फ्लक्स जो है वो सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ लिंक करेगा, हेंस मोर करंट प्रोड्यूस, तो ज्यादा करंट जो है वो पैदा होगी। एंड व्हेन प्राइमरी वाइंडिंग मूव अप, अगर आप उसको ऊपर मूव कराते हैं देन लेस फ्लक्स लिंक विद द सेकेंडरी, तो फ्लक्स जो है वो बहुत कम मिकदार में फ्लक्स जो है वो सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ लिंक करते हैं, हेंस लेस करंट प्रोड्यूस, तो थोड़ी करंट जो है वो पैदा होगी। देयरफॉर बाय रोटेटिंग व्हील करंट कैन बी एडजस्टेड। तो आप इस रोटेटिंग व्हील को रोटेट करके आप कोई भी करंट जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। नंबर टू आता है टेप सेकेंडरी वाइंडिंग। तो बेटा इसकी जो पहले इसकी फिगर है आपकी बुक में मौजूद है, पेज नंबर है इसका 184 पे जो फिगर है आप वो बना सकते हैं इस टॉपिक वन की। अब टेप सेकेंडरी वाइंडिंग भी कहते हैं, इन दिस मेथड टेकिंग डिफरेंट टेपिंग फ्रॉम सेकेंडरी वाइंडिंग। तो सेकेंडरी वाइंडिंग से मुख्तलिफ किस्म की टेपिंग जो है वो हासिल की जाती है। ईच टेपिंग हैज डिफरेंट नंबर ऑफ टर्न्स, हर टेपिंग जो है वो डिफरेंट नंबर ऑफ टर्न्स रखती है, विच आर कनेक्टिंग ऑन द कॉन्टेक्ट ऑफ सेलेक्टर केस। तो सेलेक्टर केस के कॉन्टेक्ट साथ इनको जोड़ दिया जाता है। द सेलेक्टर केस हैज रोटरी हैंडल और व्हील। तो सेलेक्टर केस जो है वो रोटरी, उसका रोटरी हैंडल होता है या फिर व्हील यूज करते हैं। वन एंड ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग इज यूज्ड एज कॉमन व्हिच इज कनेक्टेड विद द वर्क जॉब। कहता है कि सेकेंडरी वाइंडिंग की एक जो सिरा होता है आप उसको एज ए कॉमन यूज करते हैं और जिसको आप
वर्क जॉब्स जो चीज आपने वेंड करनी होती है उसके साथ इसको कनेक्ट कर दिया जाता है एज शोन इन फिगर, जैसे कि शक्ल से जाहिर है। अब बेटे इस फिगर पे देखें कि ये हमारे पास एक ट्रांसफार्मर है, ये इसकी ये प्राइमरी वाइंडिंग है और ये सेंटर में कोर लैमिनेटेड कोर है, ये हमारे पास सेकेंडरी वाइंडिंग है। सेकेंडरी वाइंडिंग से आपने चार टेपे निकाली है ए बी सी और डी, इसी वाइंडिंग से एक बी के साथ, एक सी के साथ और एक डी के साथ। ए बी सी डी जो है ये हमारे पास क्या है, ये रोटरी सिलेक्टर केस के टर्मिनल्स हैं। तो आपने क्या किया कि टेपिंग्स को ए बी सी और डी के साथ जोड़ दिया, जैसे कि आपको थ्योरी में बताया है कि इसका एक सेकेंडरी का एक कॉमन एक एंड जो है वो एज ए कॉमन यूज किया जाता है, जिसको आप वर्किंग जॉब के साथ जोड़ देते हैं। अब दूसरा क्या है कि यहाँ पे रोटरी सिलेक्टर के साथ इधर से निकाल के ये हमारे पास इलेक्ट्रोड होल्डर है, जिसके साथ आप जो वेल्डिंग रॉड होती है वो आप लगा देते हैं। ये वेल्डिंग रॉड भी हम इसको बोलते हैं, इलेक्ट्रोड भी हम बोलते हैं। तो वेल्डिंग रॉड जब इसके साथ कनेक्ट करते हैं, तो जब इसके साथ जोड़ा जाता है तो यहाँ पे ये शॉर्ट सर्किट होता है, जिसकी वजह से ये पीस जो है वो वेल्ड हो जाता है। तो अब बेटा इसके यहाँ पे इसके दरमियान वेल्डिंग वोल्टेज मिलेंगे आपको। याद रखिएगा कि ये सिलेक्टर नॉब जो है या सिलेक्टर केस जो है इसका ये रोटरी कॉन्टैक्ट, जितना इस वेल्डिंग इस एंड के करीब ट्यून होगा वहां पे करंट आपको ज्यादा मिलेगी, जितने ये दूर होगा वहां पे करंट कम मिलेगी। क्योंकि ये आपको बताया कि ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज के लिहाज से और करंट के लिहाज से ये स्टेप अप होता है। तो जितनी आप इसकी सेकेंडरी में करंट टर्ने कम होंगी तो वोल्टेज कम पैदा होंगे लेकिन करंट जो है वो ज्यादा होती जाएगी। तो जितने आपकी ये नॉब जो है, ये हमारे पास रोटरी सिलेक्टर केस के जो ये नॉब है, ये डी पे होगा तो ज्यादा करंट मिलेगी, सी पे होगा तो उससे कम मिलेगी, बी बी उससे कम मिलेगी, ए भी सबसे कम मिलेगी। तो ये बेटा याद रखिएगा, दिस इज योर टेपिंग टेप चेंजिंग की वजह से आपने डिफरेंट करंट जो है वो हासिल की है। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।